मासिक राशि भविष्य के संदर्भ में अगस्त 2020 आपका कैसा रहेगा? अगस्त का महीना, अगस्त महीने में बहुत से ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव, चंद्र देव और मंगल आपको 11वें चल रहेंगे पूरे महीने भर। 11वें मंगल आपको लाभ के लिए बहुत अच्छे हैं, लाभकारी संयोग बनाएंगे, लाभ प्रशस्त होगा, अच्छा लाभ कराएंगे। श्रमिक जनों के लिए खास करके अच्छा समय है। जो मेहनत का काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। भाई के लिए, भाई का विकास होगा, बड़े भाई छोटे भाइयों का विकास होगा और भाई के संयोग से आपको लाभ का योग भी मिल रहा है। इस प्रकार से ये मंगलदेव का है, लेकिन मंगलदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान के लिए थोड़ा कष्टकारक है, थोड़ा पीड़ादायक हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, सामान्य रूप से इसमें सावधान रहो। और आपके शुक्रदेव जी भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक शुक्रदेव वृषभ राशि पर चल रहे थे, अब मिथुन राशि पर जा रहे हैं, तो आपकी राशि से दूसरे हो रहे हैं। शुक्र जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, आपका अगर कपड़े का धंधा है, कॉस्मेटिक का धंधा है, साज सज्जा का धंधा है या कोई लग्जरी सामान का धंधा, ऐसे लोगों के लिए बड़ा लाभान्वित समय आ रहा है पूरे महीने में। ये बहुत अच्छा समय आ रहा है, व्यवसायी वर्ग के लिए भी ठीक है और ख़ास करके आपके स्त्री जाति के लिए भी ये उत्तम फलदायक है। जो कर्म क्षेत्र में लगी महिलाएं हैं उनके लिए लाभान्वित होगा और अच्छा सुख फल देने वाला है। धन योग भी अच्छा प्रबल हो रहा है, धन से संबंधित जमावट कर लेंगे और धन का सदुपयोग भी होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा है। और मिथुन राशि से उतर करके कर्क राशि पर जा रहे हैं बुधदेव। बुध जब कर्क राशि पर जाएंगे तो आपकी राशि से तीसरे हो जाएंगे। तीसरे बुधदेव क्या करते हैं, आलसी बनाते हैं, थोड़ा व्यापार में भाग का विकास तो करेंगे लेकिन आप आलसी ज़्यादा बन सकते हैं, काम में थोड़ी मन कम लगेगा, ये ध्यान रखना है। ये एक अगस्त से ऐसा समय एक महीने के आ रहा है। और सूर्यदेव आपकी राशि से आपके चौथे, आपके सूर्यदेव वो भी जो है सो तीसरे हैं, तीसरे सूर्यदेव भी आपकी राशि से 15 अगस्त तक रहेंगे। तीसरे सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे और अच्छा फल होने के साथ साथ भाग के विकास में अच्छा सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए भाग का विकास होगा, पदोन्नति होगी और जो कोर्ट मुकदमा जिनका चल रहा है उनके लिए अचानक अच्छा समय आ सकता है। और ख़ास करके जो नौकरी पेशा सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक समय है। 15 अगस्त के बाद में आपके राशि से जो सूर्यदेव है, कौन से हो जाएंगे, 15 तारीख से तीसरे सूर्य हो जाएंगे, चौथे सूर्य हो जाएंगे, सिंह राशि पर पहुंच जाएंगे। तो सिंह राशि पर जब सूर्य पहुंचेंगे तो आपकी वृषभ राशि से चौथे हो जाएंगे। चतुर्थ सूर्य क्या करते हैं, दांत में कष्ट होगा, डाढ़ में कष्ट होगा, दांतों में कष्ट होगा, माता को कष्ट होगा, भवन भूमि संबंधी कार्यों में कुछ सरकारी मुकदमा आदि चलने का योग है, भूमि संबंधी मुकदमा चल सकता है, उसमें सावधानी रखना है। इस प्रकार से वो सूर्यदेव कार्य करने वाले हैं और बुधदेव जो है तो व्यापार में बहुत बड़ा लाभ देंगे और व्यापार के नए स्रोत बनेंगे तो अनेक प्रकार से लाभ भी होने का योग है। साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव में, आपकी वृषभ राशि से अष्टम भाव में शनि और गुरु दोनों आ रहे हैं। अष्टम भाव में शनि जब आ जाएंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए अढ़ैया शनि शुरू हो जाएगा। जो अभी निकल गया था लेकिन ढैया शनि होने पर खास करके वृषभ राशि वालों के कष्टप्रद समय आ रहा है। जो मिथुन राशि वालों को जो समय था वो उतर के वृषभ राशि वालों को आ रहा है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगस्त के महीने में कंचन यानी पैसे से उठा पटक में सावधान रहना है, कामनी यानी पत्नी से विवाद होने से सावधान रहना है, कर्म क्षेत्र में थोड़ा विषमता आ सकती है और जो है सो कर्ज की मात्रा भी बढ़ सकती है और आपको कोर्ट मुकदमा चल रहे हैं उसमें भी पराजय की स्थिति हो सकती है और कलहकारी वातावरण हो सकता है, शरीर में स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। ये वृषभ राशि वालों के लिए 8वें शनि करने वाले हैं।
आठवें शनि जब आ रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में भी बिगाड़ करने वाले होंगे। कर्म क्षेत्र भला पूरा अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 अगस्त से बिगड़ने का योग दिख रहा है। जब 8वें शुरू हो जाएंगे और धन में कुटुंब से संबंध विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, जो स्थिति जो है तो अभी तक नहीं थी वो अगस्त में बढ़ने वाली है। कुटुंब से संबंधित धन से संबंधित कुटुंब में विवाद की स्थिति बनेगी। आपको नेत्र कष्ट हो सकता है, वायु विकार हो सकता है, और साथ साथ में आपके जो है संतान के लिए भी कष्टकारक समय है। और वायु विकार होगा और उनके पठन पाठन में जो अच्छा स्कूल कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं नहीं कोई समाचार अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए महीना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें सारे ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के कारण आपकी राशि वालों के लिए अभी सुंदर समय चल रहा था, लेकिन अभी अगस्त में बिगड़ने वाला है। फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए ढैय शनि शुरू हो रहा है। थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन शनि तो कट देगा। इसलिए हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और हनुमान जी को जो है सो चूल्हा मंगलवार शनिवार को झड़वाया करें चमेली के तेल से, हैं, और उनको अकाव की पत्ते की 21 पत्तों की माला हनुमान जी को पहराया करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए महीना बहुत उत्तम मधुरमय बनेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आज का हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।